आदरणीय श्री शरद यादव जी, मेरे साथी अली अनवर और प्रोफेसर मनोज झा और दोस्तों, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी? व्हाट डू यू प्रेफर? या दैट इज द प्रॉब्लम. इफ आई स्पीक इन माय मदर टंग विल यू फॉलो? तेलुगु. आई एम बोर्न इन टुडे व्हाट इज कॉल्ड चेन्नई. It is called my Madras then, so I speak a little Tamil. I'm elected to the parliament from Bengal, so I speak Bengali. So which language are you most comfortable with? Hindi. Yehi hai hamari saathi ki raasta. Ab main Telugu bolu, Hindi bolu, Tamil bolu, Bengali bolu. Ye sab jo bhi baki sab se judi jaate hai, matlab samajh mein aa jati hai. Ye sab miljul kar ek to Bharat bana. सांझी विरासत का मतलब सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोग नहीं हैं भारत के, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग हमारी परंपराएं हैं. हम सब मिलजुल कर इस गुण के अंदर अगर भारतीय कहते हुए हम भारत के हैं, दैट यू इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो पहला आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही आपको समझाता है कि ये सांझी विरासत के बिना इंडिया डजंट एग्जिस्ट, इंडिया ही नहीं रह सकती. और उस सांझी विरासत के ऊपर आज ये हमला जो आ रहा है, आप छात्र हैं. मैं 1970 में इस यूनिवर्सिटी में पहले प्रवेश किया था, कितने 47 साल हो गए, और अब हम सीनियर सिटीजन हो रहे हैं या हो चुके और अब ये भारत और ये हिंदुस्तान आप लोगों का है. कैसे बनाना चाहते हो आप लोग तय करिए. जैसे हम लोगों ने हमारे पीढ़ी में तय करके, शरद जी हो, हम लोग सब राजनीति में आए ताकि देश को बेहतर बनाए. राजनीति विचारधारा अलग हो, सही हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये देश नहीं बचेगा तो ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा, कोई नहीं बचेगा. आज खतरा उसका, और उस खतरे को सामना करने के लिए आप लोगों को सबको सोचते हुए आगे आने की जरूरत है. आखिरकार इस तरीके की खतरा आया क्यों, कैसे पैदा हुआ, और संक्षिप्त में अगर इसको समझना है. अली अनवर साहब कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि छात्र आप है, आपकी विरासत है हमारा भारत, इस विरासत को समझना है तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर से शुरू होकर तीन धाराओं के बीच में एक विचारधारा में टकराव होता रहा, और वो होता रहा एक सवाल को लेकर, और वो सवाल है कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा.